हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करने का मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज के पटियाला में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नमन किया। राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट चर्चा पर जवाब देने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला चरण भी समाप्त हो गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। गुरुग्राम में गुरुवार को हुए हादसे के बाद अब दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी के बावना इलाके में बने कई फ्लैट्स अचानक गिर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 बिल्डिंग गिर गई। इसके कारण फ्लैट्स के गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के बवाना में राजीव रतन आवास योजना के तहत बने फ्लैट में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों की दबे होने की आशंका है। राहत बचाव काम जारी है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शुक्रवार दोपहर बाद आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। इनमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और 1 बलिदान हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर हमले के तुरंत बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने इलाके को घेर कर सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान एवं प्रचार कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ के सीएम न बनने का दर्द फिर छलका। सुनील जाखड़ ने पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी पर हमला किया है। कहा है कि अंबिका सोनी के एक बयान के कारण पार्टी को फैसला बदलना पड़ा। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से हटने के बाद विधायकों की सीएम फेस के रूप में सुनील जाखड़ पहली पसंद थे। हाईकमान भी जाखड़ के पक्ष में था, लेकिन अंबिका सोनी ने मामले को घुमाते हुए ये कह दिया था कि पंजाब में कोई सिख ही सीएम फेस होना चाहिए। कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में अंतिम आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कर्नाटक मामले में नजर बनाए हुए है और फिलहाल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने वकीलों को नसीहत देते हुए कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाए और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर मामले में हस्तक्षेप करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच उभरे तनाव के बीच पूरी दुनिया की निगाहें आने वाले दिनों में लगी हुई है। वहीं विश्व की निगाहें इस बात पर भी लगी हुई है कि कौन किसका साथ देगा। इसके अलावा चीन और रूस के बीच आई नजदीकी से जहां अमेरिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं भारत के लिए ये बड़ी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस काफी लंबे समय से भारत का सहयोग कर रहा है। रणनीति और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में रूस के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। एन चंद्रशेखरन को एक बार फिर टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स ने एक बयान में कहा है कि उनके निदेशक मंडल की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें बीते 5 साल की समीक्षा की गई है। इसके कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पूर्ण नियुक्ति पर विचार किया गया। चंद्रशेखरन की दूसरी बार फिर से नियुक्ति को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का समर्थन मिला। टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में बहुलांश हिस्सेदारी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP दिसंबर के महीने में साल दर साल 0.4% बढ़कर 138.0 हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में IIP सालाना आधार पर 2.2% बढ़कर 137.4 हो गया था। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 यानी अप्रैल दिसंबर में अब तक की औद्योगिक वृद्धि 1 साल पहले इसी अवधि में -13.3% के संकुचन की तुलना में 15.2% बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में चौथी विदेशी मंत्रियों की बैठक के दौरान क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि वो बलपूर्वक थोपी गई आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, साथ ही समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और सुरक्षा
को मान्यता देते हैं, जो इंडो पैसिफिक के विकास और समृद्धि को रेखांकित करता है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।